अब रात के 12 बजे डीजे बज रहा था, डीजे में बरन बरन के गाने बज रहे थे, डीजे में गाना तो यह भी बज रहा था कि दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था और क्या होगा 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 कोई सोचना था। लेकिन जैसे ही डीजे बंद हुआ तो दूल्हा और दुल्हन नाराज हो गए और इसके बाद वह सीधे आधी रात को यानी 12 बजे थाने पहुंच गए और थाने पहुंचकर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। आरोप है कि डीजे बंद कराने आए पुलिस कर्मियों ने महिलाओं से अभद्रता की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोनों ने 2.5 घंटे तक थाने में धरना दिया है और आश्वासन के बाद फिर मंडप में दूल्हा और दुल्हन फेरे लेने के लिए पहुंचे हैं। अब पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम से जुड़ा है, जहां पर एक परिवार में विवाह समारोह चल रहा था। वहां 2 जवान पहुंचे और डीजे बंद करा दिया। इस पर दूल्हा दुल्हन सहित मेहमान रात करीब 12 बजे जीआरपी चौकी पहुंचे। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र थाने में दोनों जवानों के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और चौकी परिसर में ही वह धरना पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे एक शादी समारोह के बीच दूल्हा और दुल्हन सहित मेहमान आधी रात को पुलिस थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। दूल्हा और दुल्हन के मेहमानों का आरोप था कि शादी समारोह चल रहा था, डीजे बंद कराने आए 2 पुलिस के जवानों ने महिलाओं से अभद्रता की है। दूल्हा दुल्हन की मांग थी कि जब तक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी वह फेरे नहीं लेंगे। करीब 3 घंटे तक धरना देने के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला, तब जाकर यह धरना समाप्त हुआ है। दूल्हा अजय सिंह सोलंकी ने कहा कि मेरी शादी थी, 2 पुलिस जवान आए और डीजे बंद करवा दिया, मेरी शादी बिगाड़ दी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। पंकज और शोभा राम नाम के जवान औद्योगिक क्षेत्र के हैं, हमारा रेलवे क्षेत्र है, ये अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ आए, हम थाने आए हैं, फेरे भी नहीं लिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हम लोग थाने में बैठे रहे, टीआई ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन गुरु, एक शादी करने में लोगों को पसीना आ जाता है, ऐसी शादियां मत बिगाड़ा करो। बेचारे डीजे पर मेहमान ही तो नाच रहे थे, अब वो भी इनको रास नहीं आया तो डीजे बंद कराने पहुंच गए। फिलहाल थानेदार ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता।